दोस्तों नमस्कार, मैं सुशील पटेल। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मनरेगा में जो मजदूरों का भुगतान होता है उस पेमेंट की प्रोसेस क्या रहती है। आप इस वीडियो को केयरफुली देखिए, जब भी आप भुगतान से होने वाली समस्याओं के बारे में अच्छे से समझ सकेंगे। जब भी कोई मजदूर मनरेगा में काम करता है तो काम समाप्ति के 15 दिन पश्चात उसे मजदूरी का भुगतान करना आवश्यक होता है। कार्य प्रारंभ होने और समाप्त होने की अवधि में मजदूर के अटेंडेंस के लिए ई मस्टर रोल बनाया जाता है और इस ई मस्टर रोल में उनकी अटेंडेंस इत्यादि भरकर मनरेगा की वेबसाइट में डाटा एंट्री के माध्यम से दर्ज की जाती है। मनरेगा वेबसाइट के बारे में आप लोग अच्छी तरह जानते हैं। अटेंडेंस इत्यादि फिल करने के पश्चात ग्राम पंचायत एक वेज लिस्ट तैयार करती है और इसे ब्लॉक में सेंड करती है। फिर ब्लॉक लेवल पर इनके भुगतान हेतु एक FTO बनाया जाता है जिसमें दो अधिकारियों के डिजिटल सिग्नेचर होते हैं, जिसे फर्स्ट सिग्नेटरी और सेकंड सिग्नेटरी कहा जाता है और इसे ही हम पहला स्टेज कहते हैं। स्टेज वन की समस्त रिस्पांसिबिलिटी राज्य सरकार की होती है। स्टेज वन की पूरी प्रक्रिया को डिटेल में समझने के लिए मैंने एक अलग से वीडियो तैयार किया है। ये देखिए, ऊपर उसकी कार्ड बटन दिख रही है, उस पर आप क्लिक करके स्टेज वन की प्रोसेस को और डिटेल्स में समझ सकते हैं। देखिए, जैसे ही स्टेज वन की फॉर्मेलिटीज पूरी होती है यह पेमेंट की प्रोसेस के लिए आगे बढ़ता है और अब यह सेकेंड स्टेज का कार्य सेंट्रल गवर्नमेंट के माध्यम से होता है और सेंट्रल गवर्नमेंट की फॉर्मेलिटीज पूरी होने के पश्चात मजदूर के खाते में पैसा आ जाता है। स्टेज वन की तरह मैंने स्टेज टू की भी डिटेल्स वीडियो बनाई है, ऊपर दिख रही कार्ड बटन पर क्लिक करके आप इसके बारे में डिटेल्स में समझ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब मैं वीडियो यही समाप्त करना चाहूंगा। आशा करता हूं कि आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगा होगा और यदि आप चाहते हैं कि इस प्रकार की इन्फॉर्मेशन आपको समय समय पर मिलती रहे तो प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और सब्सक्राइब करने के साथ ये बगल वाली घंटी की बटन को अवश्य दबा दीजिए, जिससे मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच सके। और यदि आप चाहें तो मनरेगा के अपडेट्स के लिए एक मेरा फेसबुक का ग्रुप है जिसका नाम है मनरेगा क्रिएशंस, इसकी लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, आप वहां जाकर इसमें ऐड हो सकते हैं। और ये वीडियो देखते समय आपके मन में यदि किसी प्रकार के डाउट्स हो तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। नमस्कार।